हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। हम देख रहे थे कक्षा 9 का अध्याय नंबर 3। इसकी हम एक्सरसाइज 3.1 कल कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं। ठीक है, बहुपद चैप्टर है इसका। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 3.2 का। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको कि बहुपद 2x की पावर 3 -13x² +17x + 12 के एक्स के भिन्न भिन्न मानों निम्न मानों पर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के अलग अलग मान दिए गए हैं, इन पर आपको इसका मान ज्ञात करना है बहुपद का। सिंपल सा बात है, देखो कैसे करते हैं। इसके आंसर आपको अभी सिखा देंगे कैसे करना है आपको। ठीक है, तो आंसर करते हैं। आंसर पहला, जैसे कि मैं ले रहा हूँ एक्स बराबर 2 पर, क्या पर, बहुपद का मान, बहुपद का मान। अब को गुरु जी बहुपद कहाँ है, ये वाला बहुपद है। सिंपल सा है, मैं बहुपद लिख रहा हूँ। इधर देखोगे आप लोग, 2x की पावर 3 -13x² +17x + 12। बोला क्या, x की जगह कितना 2 रखना है, तो जिधर जिधर x दिख रहा है उधर उधर 2 लगा दो। बस सिंपल सा है, 2 2 की पावर 3। अब ये कहाँ से आया 2, x का मान 2 रखने को बोला है। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, अब 17 इधर 2 आ जाएगा +12 आ जाएगा। क्यों आया, कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि x बराबर 2 रखने को बोला है। तो यार 2 रख दो, घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, इधर 2 और इसका मान कितना होता है, 2 × 2 × 2। अब कैसे किया गुरु जी, अरे देखो इधर बच्चों आराम से देखो, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2, 3 बार गुणा करवाना। तो 3 बार गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंपल सा वही तो किया मैंने। अरे कुछ अलग किया क्या, ये बता दो, कुछ अलग नहीं किया। -13, अब 2 बार गुणा करवाने से 4 आने वाला है, ये पता है आपको। 17 × 2 = 34। अब को गुरु जी गुणा क्यों करवाया, अरे हमेशा ब्रैकेट और संज्ञा के बीच में गुणा ही होता है, ये समझ लेना बस। अब देखो 8 × 2 कितना होता है, 16 -13 × 4 = 52 होता है। तो इधर 52 लिख दो और इन दोनों को जोड़ दो। ये दोनों जोड़ेंगे तो आप कितने हो जाएंगे, आराम से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इधर ही ऐसे ही लिख लो, यहाँ तो 34 + 12 ये लिख दिया। अब देखो प्लस प्लस वाले जोड़ दो, ये प्लस का, ये और ये प्लस के, तो इन तीनों को जोड़ोगे 16 और ये 40 50, और ये कितने हो गए, 60 62। 62 हो गए ना, तो 62 तो हो गए प्लस के, और ये माइनस के 52 है ही है। तो जब 62 में से 52 गए तो कितना आया, 10। तो यही आपका आंसर है। आया क्या समझ में, अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर होगी तो अगले वाले सवाल में ऑल क्लियर हो जाएगा। देखो इधर सेकंड वाला देखते हैं, इसका एक्स इजिक्वल टू -3 रखना है। अब कहां पर रखना, उसी बहुपद में रखना है, पर बहुपद का मान उसी बहुपद में रखना है। ठीक है, सिंपल सा है, उसी बहुपद में रख के देखते क्या होता है। चलो हम रखते हैं कि 2x की पावर 3, मैं बहुपद पहले लिख लेता हूं एक बार, ये लिख दिया मैंने बहुपद। आया क्या समझ में, ये लिखा सिंपल सा बहुपद। कोई स्टेप नहीं आ रही हो तो बोल देना मुझे। ठीक है, ये हमने लिखा बहुपद, लिखा बहुपद। अब देखो एक्स की जगह हमने क्या रखना है, -3 रखना है, तो -3 रख दो। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, -3 रखने में, सिंपल सा 3 का स्क्वायर +17, और इधर -3 और +12। अब प्रॉब्लम होगी इधर, गुरु जी ये माइनस है, -3 की कैसे, इसको कैसे करेंगे। इधर देखो सिखाते कैसे करना है, -3 की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, -3 × -3 × -3, सिंपल सा 3 बार गुणा, तो क्या होगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ये तो 27 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आपको पता रखना है क्या, कि जब भी घात विषम हो या फिर उनका गुणा करवा के देख लो, घात विषम हो तो माइनस आएगा आंसर में। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, -27। अब गुरु जी इसको घटाना, अब माइनस आया मतलब, अरे घटाना नहीं है, गुणा ही करोगे आप। ठीक है, -13, अब 2 बार गुणा करने पर क्या होगा, 3 × 3 = 9, और माइनस माइनस प्लस, तो मतलब क्या, इधर क्या हो जाएगा, +9। अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। इधर देखो प्लस माइनस, ये माइनस है इसमें, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 17 × 3 = 51 होता है, 51 होता है, 51 +12, 12 कहाँ से है, पीछे वाला। ठीक है, अब इनको हल करो, 27 × 2 = 54 होता है, और ये माइनस है तो -54, इधर 13 × 3 = 117, 13 × 9 सॉरी 117, और -51 +12, यहाँ तक हो गया क्या, हो गया ना। ठीक है, एक सेकंड रुको, हाँ ये देखो, अब माइनस माइनस वाले जोड़ दो आपस में। अब को गुरु जी माइनस माइनस कैसे जोड़ना है, अरे यार बचपन में पढ़ा है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ना पड़ता है माइनस माइनस वालों को। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा, -2 2
टू। अब कहो कि गुरु जी माइनस माइनस जोड़ रहे हो फिर माइनस भी लगा रहे हो, ये क्या चक्कर है? अरे यार बड़ी संख्या का निशान तो आएगा ना, बड़ी संख्या कौन सी है? 117, तो इसका निशान भी होगा। अब इनको घटा दो, अब इनको क्यों घटाना है? अरे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो 210 हो जाएगा ये, तो 210 हो गया, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है? ये, तो इसका चिन्ह निशान आएगा माइनस का। आया क्या समझ में? हो गया ना। तो अब क्या करना आपको, ये देखो आपको दो सवाल अलग से दिख रहे होंगे, एक्स बराबर जीरो पर और एक्स बराबर पैन को क्या हो गया, एक्स बराबर जीरो पर और एक्स बराबर माइनस वन पर। इन दोनों के आंसर आप लोग खुद करोगे और मुझे आंसर कमेंट करोगे कितना आंसर आया, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में करना है, ठीक है? ये दोनों सवाल, और ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है? तब तक बच्चों थैंक यू।